1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, तो ऐसे में वो कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बदल जाएंगी, आइए जानते हैं। EPFO Employees Provident Fund Organization यानी EPFO ने फंड ट्रांसफर को ऑटोमेटिक बना दिया है। इस नए नियम के तहत EPF खाताधारक जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेंगे, उसके साथ ही उनका पुराना PF बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। न्यू टैक्स रेजीम, 1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स रेजीम डिफॉल्ट टैक्स रेजीम के रूप में लागू होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद पुरानी टैक्स रेजीम को नहीं चुनते तो आपका इनकम टैक्स नई व्यवस्था के मुताबिक ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा नई टैक्स प्रणाली के तहत टैक्स ब्रैकेट में वैसे कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको नई टैक्स रेजीम के तहत कोई भी कर नहीं देना होगा। फास्टैग का भी नियम 1 अप्रैल 2024 से बदलने जा रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के KYC प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो आपका फास्टैग 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के लॉगिन प्रोसेस में भी बदलाव होने जा रहा है। PFRDA अब 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू कर रहा है। इसके बाद कोई भी NPS खाताधारक आधार बेस्ड OTP के जरिए ही NPS लॉगिन कर पाएगा। सरकार ने 15 मार्च 2024 को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया था। SBI क्रेडिट कार्ड, नए नियम के तहत अब SBI के सभी क्रेडिट कार्ड से किराए के भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 अप्रैल 2024 से तो कुछ कार्ड में 15 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। लीव इनकैशमेंट, अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक की छूट दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। इस टैक्स बेनिफिट का लाभ कर्मचारी को तब मिलेगा जब वो नौकरी बदलेंगे या फिर रिटायर होंगे। इसके अलावा अब अगर आप नौकरी के दौरान छुट्टी की जगह कैश ले रहे हैं तो इस लीव इनकैशमेंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी सैलरी का हिस्सा माना जाता है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।